हाँ जी पुनीत, बेटा व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर? बोलो बच्चे बोलो, व्हाट इज सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर? उसको आता होगा या नहीं आता है बच्चे? सक्सेसर, इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों में से कोई एक चीज बताइए। अरे अपना माइक को जो है तो इसके पास लेके आइए एंड देन स्पीक। आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे को। सक्सेसर जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा? फ्रीडम, हाँ जी गुरनीत फ्रॉम सेक्शन बी, गुरनीत फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन 6B, यस यस प्लीज कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। व्हाट हैपन? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, टेल मी व्हाट इज प्रीडिसेसर? व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर? बच्चे पता नहीं है आपको? यस नो तो बोल सकते हैं ना आप? नो। क्या पता है बेटा आपको इंटीजर का जो चैप्टर मैंने कराया 4 दिन में क्या कुछ आता है आपको? बट यू नो, कोई भी एक चीज बताइए जो आपको आती है, देन आई कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट। एब्सोल्यूट वैल्यू पता है क्या होती है बेटा? सर एब्सोल्यूट वैल्यू यस क्या होती है बेटा? एब्सोल्यूट हाँ जी बच्चे, सेक्शन डी की इक्वल, हाँ जी बच्चे बोलिए, सिट डाउन। हाँ जी कुणाल फ्रॉम सेक्शन सी, कुणाल फ्रॉम सेक्शन सी प्लीज कम। हाँ जी बच्चे, हाउ वी ऐड टू इंटीजर्स इफ दे हैव द सेम साइन? बेटा क्वेश्चन हम दो इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं अगर रिपीट उनके साइन सेम होते हैं? करना। If we have two integers with same sign, how we add them? Look here. Look towards screen. सर आपकी बात क्लियर नहीं आ मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? रही, अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे सेक्शन डी, सेक्शन रहा। डी, एनी टीचर प्रेजेंट इन सेक्शन डी? इज देयर सम टीचर इन सेक्शन डी? अदर टीचर प्रेजेंट इन अदर क्लासेस? प्लीज सेक्शन डी मैम, एनी टीचर प्लीज विजिट द सेक्शन। टीचर प्रेजेंट, प्लीज विजिट द सेक्शन डी एंड चेक आउट व्हाट इज द इशू देयर। बाकी बैठ जाओ। सर हाँ जी बच्चे, अब आवाज आ रही है? देख, यस हाँ जी, हाउ वी ऐड टू इंटीजर इफ देयर साइन इज सेम? नहीं आ रही सर। सेम
क्वेश्चन हाउ वी ऐड टू इंटीजर्स इफ देयर साइंस आर सेम। साइंस से प्लस रीड आउट, बैठ प्लस जाइए बेटा। हाँ जी, जस्ट करन फ्रॉम सिक्स ई, जस्ट करन। अरे आप हाँ जी बच्चे, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर? एब्सोल्यूट वैल्यू, सही बोलिए बेटा। मैं यहीं से माइक ऑफ कर देती हूँ। बोले बच्चे, बोलिए जसकरण। -4 सिट डाउन बच्चे, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। देखिए बेटा, जो हमने 2-3 दिन पहले कॉन्सेप्ट किया था, ऑल ऑफ यू हैव फॉरगॉटन। लेट मी रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट टू यू बेटा। व्हाट इज द प्रॉब्लम टू सेक्शन डी? इज देयर सम टीचर प्रेजेंट? प्लीज कम इन द पिक्चर। बेटा मैं कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करा रहा हूँ अभी। ओके हाँ जी बच्चों, देखिए कुछ टर्म्स हमने की थी, तो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो दोस टर्म्स। सबसे पहली चीज मैंने पूछी है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। कौन बताएगा बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, दैट स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन एफ, प्लीज टेल मी बेटा। सर एप्सी वैल्यू कंज्यूम नेगेटिव इंटीजर्स एंड गिव आउट द पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द ओनली द पॉजिटिव नंबर, राइट? वेदर द इंटीजर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सपोज वी हैव एन इंटीजर -5, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 5, वेदर यू टेक हियर पॉजिटिव इंटीजर। सो वैल्यू इज ओनली द पॉजिटिव नंबर। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? यस जिन बच्चों को नहीं पता था बेटा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट थिंग आई हैव आस्क्ड वाज द सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर। सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर क्या होता है बच्चे? सक्सेसर, किसी इंटीजर में हम जब 1 प्लस करते हैं, सपोज मेरे पास नंबर है -22, आई हैव टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। व्हाट आई डू, आई एड 1 टू इट। 1 ऐड करने से कितना आ जाएगा बच्चों? -21 -21। एंड इफ आई हैव टू फाइंड द प्रीडिसेसर, व्हाट आई हैव टू डू? प्रीडिसेसर, व्हाट आई डू? -1 -1। इफ आई हैव टू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ -22, आई सबट्रैक्ट 1, व्हाट इट बिकम्स? -23 -23। इज दिस क्लियर? दिस सर यस इज आवर प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। नेक्स्ट थिंग आई आस्क द क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग वाज बच्चों, व्हेन वी हैव टू ऐड द टू इंटीजर्स विद सेम साइन, व्हाट वी डू व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स विद सेम साइन? हाँ जी बच्चों, हाउ टू ऐड टू इंटीजर्स विद सेम साइन? सर वी प्लस देम वी ऐड देम एंड पुट द कॉमन साइन, ठीक है? सेव अ कंप्लीट स्टेटमेंट, एड द नंबर एंड पुट द कॉमन साइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू एड 4 + 27, तो
तो एडिशन ऑफ 27 एंड 4 इट गिव्स टू 31, बट साइन विल बी कॉमन साइन, दोनों का साइन पॉजिटिव है बच्चों, तो इट विल बी पॉजिटिव 31। सपोज इफ आई हैव टू ऐड नेगेटिव इंटीजर, लेट्स से दिस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? बोथ द नंबर्स विल बी एडिड, 4 प्लस 21 इज -25। -25, मीन्स दोनों का सम 25 हो गया और दोनों का कॉमन साइन नेगेटिव था, तो इट विल बी -25। इज दिस क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? यस। नहीं, बच्चों को नहीं क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड। अभी मैंने जो जिन बच्चों को अभी पहले बुलाया है ना, दोबारा फिर बुलाना है। आपको क्लियर है तो बताइए, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। अभी जिन बच्चों को बुलाया था ना पहले, दोबारा फिर उनका नंबर लगने वाला है। सेक्शन एफ, ये सेंट्रल लाइन में दो बच्चे बैठे पीछे गप्पे मार रहे हैं, नीचे झुक गया है जो बच्चा, टेबल के नीचे चला गया। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ दोनों, बोथ कम। लास्ट हाँ बेंच। जी, हाँ जी, लास्ट बेंच, वो जो उसको पता चल गया बेटा जिसको बुलाया मैंने। दोनों आ जाओ, यू आल्सो कम। बच्चे, सर क्या है आपका कम्युनिकेशन चल रहा है इतना इम्पोर्टेंट? आई एम सर टीचिंग एंड यू आर टॉकिंग। सुनो सर, इस बेंच गुम गया था। बच्चे, पेन घूम गया था तो आप क्या कर रहे थे? उसका पेन घुमा था ना। उठा रहे थे। आई हैव ऑब्जर्व यू, आप 5 मिनट से गप्पे मार रहे थे मुझे। पांच मिनट हो गए थे मेरे को देखते हुए, आप दोनों गप्पे मार रहे हैं। आपको लगता है कि पीछे बैठे हैं, सर को तो नजर नहीं आ रहा होगा। सिट डाउन। राइट बच्चों, कुछ क्वेश्चन करेंगे अगेन। जिन बच्चों को मैंने पहले बुलाया था, बी रेडी, अगेन आई विल बी कॉलिंग देम। आज पूरा दिन मैंने उन्हीं को बुलाना है बच्चों। हाँ जी, आ जाए बेटा। यस, जस करण, 6E। यस क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ बेटा, खड़े हो गए। -27 + 31 -6 - 35 + 8 क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, डिक्टेट सॉल्व करने के लिए बोला। करना, सॉल्व करना है। जी हाँ जी, सॉल्व करना है जी। हाँ जी, क्या किया पहला स्टेप बेटा? हाँ जी जसकरण, क्या किया बच्चे आपने? हाँ +27 + 31 किया। मैं 58, 58 सर, देखो, 58 ये टीचर प्रेजेंट इन दिस क्लास 6F, मैम प्लीज लेट हिम डू हिमसेल्फ। 27 + 31 = 58। ओके यस, आगे कीजिए, क्या करेंगे? -27
31 माइनस 6 इक्वल्स टू 25। 35 माइनस 6 कैसे ट्वेंटी आया बेटा? फाइव 31 और 6 को माइनस करके। ये इन दोनों को माइनस करना है बेटा? ये तो आप ऐड कर चुके हो इधर, इन दोनों का रिजल्ट तो ये आ गया। फिर आप 31 से कैसे सबट्रैक्ट कर रहे हो बेटा? ये दोनों ऐड कर लिए ना आपने, 58 आंसर आया। यस उसके बाद 31 तो खत्म हो गया ना, तो यस 31 में 6 क्यों सबट्रैक्ट कर रहे हो? सर 6 माइनस 35 करना नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब 58 में से 6 माइनस करना है। कीजिए सर। ठीक है सर, जल्दी से जरा। फिफ्टी टू 52 आ गया। अब इन दोनों का आंसर 52 आ गया। -35 यस प्लस 8, अब 52 में से 35 सब्ट्रैक्ट कीजिए। बेटा सेवेंटीन 17, अब इन दोनों का आंसर कितना आएगा? 17 प्लस 8 कितना आएगा आंसर बताओ जरा। बेटा वेरी गुड बेटा, जस्ट वेरी गुड। बट आपने जो मेथड किया है ना, ये थोड़ा मुश्किल मेथड है। ठीक है, आंसर ठीक आ गया है, लेकिन इसका जो इजी मेथड है दैट आई एक्सप्लेन टू यू। इजी मेथड में आपने क्या करना है, देखिए जिन टर्म्स के आगे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव टर्म कौन कौन सी है? पॉजिटिव टर्म कौन कौन सी है? 27, 31 और 8, ये तीनों पॉजिटिव है। सिक्स और -35 नेगेटिव है। जो पॉजिटिव टर्म्स हैं इनको अलग से ग्रुप बना के ऐड करो, लाइक 27 प्लस 31 प्लस 8, इनको अलग से ग्रुप बनाया, ऐड कर लिया, बीच में साइन लगाओ प्लस का, बीच में साइन, और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको अलग से ऐड कीजिए, ओके इनको ऐड करो, बताइए कितना आया जरा। कितना आ गया बेटा? कर रहे हैं सर करीब करीब सिक्स। सिक्स। अब इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आया बेटा? हाँ जी, पर प्लस का आएगा, माइनस आएगा, आए क्योंकि दोनों का साइन माइनस है ना, तो वही माइनस हो जाएगा। अब ये ग्रेटर टर्म ये वाली है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा?
जब दोनों टर्म के साइन अपोजिट होते हैं तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 60 माइनस 41 कितना आ रहा है बेटा? सर 55। 55। कैसे? 66 माइनस 41।107 अमोनी यार कैसे आ रहा है? इसको तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 66 में से 41 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 6 में से 15, 6 में से 42, तो 25 नहीं आ रहा है। आप 55 कैसे कर रहे थे बेटा? सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं करनी थी। ठीक है, अब 66 ग्रेटर टर्म में बेटा, इसका साइन पॉजिटिव था तो इट विल बी पॉजिटिव, तो सेम आंसर आ रहा है दोनों में से। कौन सा इजी है? वो ठीक है, अगली बार से क्वेश्चन उसी मेथड से करना है जी। ठीक ओके बेटा, वेरी गुड, यू कैन गो नाउ। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट कौन आएगा? इस बच्चे को बुलाया था सबसे पहले मैंने आज, पुनीत। पुनीत फ्रॉम 6 से आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन देख लीजिए, -74 +39 -105 -27। चलिए बेटा सॉल्व करेंगे दोनों साथ साथ। नोटबुक लेके आओ जरा आप। ठीक हाँ जी बच्चे, पुनीत आ गए हो? हाँ जी बेटा, सॉल्व करिए जरा इसको। अदर स्टूडेंट्स प्लीज डोंट टॉक 6B, आपकी आवाज बहुत आ रही है बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज लुक इन टू इट। हाँ जी पुनीत, हो गया बेटा फर्स्ट टाइम? हाँ जी बताइए क्या किया आपने? अच्छा हाँ जी पुलिस हो गए बेटा? बेटा माइक को अपने फेस के पास लेके आओ पहले तो। हाँ -34 +39 मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा बेटा, आप क्या बोल रहे हो? प्लीज चेक द वेदर, द साउंड सिस्टम इज ओके और माइक इज ओके और नॉट। टीचर प्रेजेंट, प्लीज चेक। हाँ, उसके बाद क्या किया बेटा? ये तो आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो ना, आपने किया क्या अभी तक? टीचर चेक वेदर शी इज डूइंग इट और नॉट।
सर प्लीज चेक करें जरा, वो बच्ची कर रही है या नहीं कर रही है कुछ। सर आप जरा एक बार बताइए जरा क्या लिखा है इसने अभी तक। 179 माइनस 74 माइनस 105 इक्वल टू 179। 179 प्लस और माइनस प्लस प्लस। आओ बेटा, ओके आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली। मैंने बताया आपको कि जो सारी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको सेपरेट करना है और जो सारी पॉजिटिव टर्म है उनको सेपरेट, राइट? टीचर व्हाट इज द साउंड ऑफ, बच्चे जो सारी नेगेटिव टर्म्स है उनको आपने सेपरेट करना है और पॉजिटिव टर्म्स को सेपरेट रखना है। आप इन सब का टोटल करो जरा। ये बेटा इन सब का टोटल, कितना आया बेटा? 200 प्लस का होगा माइनस का होगा? प्लस। फाइव प्लस सबके साइन कौन से हैं? नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव प्लस 39। आप बच्चे इन दोनों के अपोजिट साइन है, ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कीजिए और ग्रेटर टर्म का साइन लिखिए। आगे बेटा 167 167 प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। क्लियर हुआ सब बच्चों को? सारी नेगेटिव टर्म सेपरेट कर दी, पॉजिटिव टर्म सेपरेट कर दिया, इनको ऐड कर दिया, नेगेटिव वालों को अलग से, पॉजिटिव वालों को अलग से। लास्ट में वी हैव टू टर्म्स बोथ विद अपोजिट साइन, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो ग्रेटर टर्म है उसका साइन आंसर आ गया। प्लीज सिट डाउन मैडम। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द असाइनमेंट। कल हमने बच्चों केस स्टडी टू करनी थी, केस स्टडी टू करनी है बेटा आपने। यस। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आज क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यूजिंग द नंबर 9 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम माइनस 3। अब देखिए कैसे करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम माइनस 3, इज इट क्लियर? नंबर 9 ड्रॉ कर लो जी। ठीक है बच्चों, यहां पे 0 1 माइनस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6,
राइट बच्चों, नाउ व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम माइनस थ्री, दिस इज माइनस थ्री, राइट बच्चों? यस सर, यस. व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वी हैव टू गो टुवर्ड्स लेफ्ट. सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि नहीं, लेफ्ट की तरफ जाना है बच्चे. एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू, तो आपको टू पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाना है, तो माइनस फाइव विल बी योर आंसर. आंसर. अगर आप इसको राइट करें तो माइनस थ्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, टू. तो व्हाट इट बिकम्स, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव. नंबर लाइन पे भी सेम आ रहा है बेटा. यस यस. स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए. जब भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो यू हैव टू गो, जितने पॉइंट सब्ट्रैक्ट करने हैं उतने पॉइंट आपको लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट? इन केस अगर यहाँ पे टू के प्लेस में माइनस टू होता, इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस टू फ्रॉम माइनस थ्री, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए लेफ्ट जाना है. बट अगर नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स राइट. राइट. उस केस में आप क्या करते हैं, टू पॉइंट्स राइट जाते हैं, माइनस वन. राइट? यस सर, यस. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सर, नो. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई जी, माइनस टू फ्रॉम माइनस थ्री. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है बेटा. नेक्स्ट पार्ट में वही है, माइनस टू फ्रॉम माइनस थ्री. जब आपने माइनस टू सब्ट्रैक्ट किया तो आपको टू पॉइंट्स मूव करना है, बट नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट. सो योर आंसर विल बी माइनस वन. माइनस वन. इज दिस क्लियर? सर, यस. चले बच्चों आगे. सर, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सम ऑफ माइनस टू एंड माइनस थ्री यूजिंग द नंबर लाइन. Find the sum of minus 3 and minus. Okay, which is 0, minus 1, minus 3. Right? So you have to find sum of minus 3 and minus. Right, bachcho? Then you are finding the sum of two negative numbers. This is clear? So let's say this is minus 3. You are adding a negative integer to it. What is the meaning of negative integer? हमने बच्चे एक क्वेश्चन किया था assertion region में. देखिए second question. Look at your assignment. Assertion region second question, reason part. To subtract an integer from an integer, it is enough to add the additive inverse of the integer that is being subtracted. जब आप माइनस थ्री में माइनस टू एड कर रहे हो, इफ यू आर एडिंग माइनस थ्री में माइनस टू, तो इसका मीनिंग क्या है कि आप माइनस थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस टू, एडिटिव इनवर्स क्या हो गया बेटा माइनस टू का, टू. सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम माइनस थ्री. तो जब आप टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो देन यू हैव टू गो टू पॉइंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. यस और नो? यस. सिंपल सी है, इसी नंबर में अगर दूसरा नंबर ऐड करना है, अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो लेफ्ट राइट की तरफ जाना है, अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है तो लेफ्ट की तरफ जाना है. लिख लीजिए बेटा पॉइंट ऑन नंबर लाइन. इफ वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, ये है पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव इंटीजर
are given integer move towards right in if we add a negative integer right to a given integer move towards left. समझ में आया बच्चों ये चीजें नहीं आई है? प्लीज राइट दीज टू पॉइंट्स. प्लीज नोट डाउन दीज टू पॉइंट्स. इफ वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर टू ए गिवन इंटीजर मूव टुवर्ड्स राइट. इफ वी ऐड ए नेगेटिव इंटीजर टू ए गिवन इंटीजर मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. Is this clear? बच्चों these two points are clear or not? So, yes. अगर यहाँ पे addition कर रहे हैं हम, अगर addition के place पे subtraction हो जाए, यहाँ पे लिख ले if we subtract a positive integer to a given integer, positive integer को subtract कर रहे हैं तो move towards left. ये दोनों साइन जो है अपोजिट हो जाएंगे. अगर ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट आ रहा है तो राइट की जगह पे लेफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट आ रहा है तो लेफ्ट की जगह पे राइट हो जाएगा. नोट कर लो बच्चों वो पॉइंट भी. इफ वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम ए गिवन इंटीजर मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. लिख दूं बेटा क्या वो पॉइंट भी? इफ वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम ए गिवन इंटीजर मूव टुवर्ड्स left on number 9, right? And if we subtract a negative integer from a given integer move towards right. ठीक है बच्चों, लिख लो बच्चे ये सारे पॉइंट्स. लिख लिया बेटा? यस. एवरीवन यस. समझ में आया बेटा? यस यस. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग नंबर लाइन हाउ डू वी कंपेयर नेगेटिव इंटीजर. हाँ जी बच्चों, यूजिंग नंबर लाइन हाउ टू वी यू कंपेयर टू नेगेटिव इंटीजर. देखिए बच्चों, अगर आपको दो नेगेटिव इंटीजर कंपेयर करने हैं, दिस इज क्लियर, ये दो नेगेटिव इंटीजर है बेटा. सिंपल सी चीज है, नंबर लाइन पे द नंबर विच विल बी ऑन द लेफ्ट विल बी द लोअर वन विल बी द स्मॉलर वन, नंबर विच इज ऑन द राइट विल बी द ग्रेटर वन. इज दिस क्लियर?
जैसे बच्चे हम अपना राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, नंबर इंक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सपोज मैंने -5 और -3 को कंपेयर किया, विच वन इज ग्रेटर? -2 -3। -3 2 तो मैंने बोला ही नहीं बेटा, -5 एंड -3। तो -3 इज ग्रेटर, -5 इज स्मॉलर, एंड -5 इज ऑन द लेफ्ट साइड। वो नंबर लेफ्ट पे होगा बेटा, वो स्मॉलर होगा, जो राइट पे होगा वो होगा। ग्रेटर। इज क्लियर? सेम गोल्स इन द सेकंड पार्ट। व्हेन एवर यू आर टू कंपेयरिंग टू पॉजिटिव इंटीजर और नंबर लाइन, द नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट विल बी द स्मॉलर वन, द वन विच इज ऑन द राइट विल बी द ग्रेटर वन। इज इट क्लियर? पार्ट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, पॉजिटिव विल बी ऑन द राइट राइट साइड। साइड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ जी बच्चों, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 7 नंबर्स टू द राइट ऑफ -5? ये बच्चे -5 ड्रॉ कर लिया, -4 -3 -2 -1। नाउ इफ वी हैव टू मूव 7 नंबर्स टुवर्ड्स राइट ऑफ -4, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा आंसर आपका? ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which number will we reach if we move 3 numbers to the left of 0? बच्चे ये 0 है, इसके 3 नंबर लेफ्ट जाना है, 1 2, तो व्हाट इट विल बी? -3 -3। क्लियर सर। है बेटा ये दोनों? कोई डाउट इसमें? चलिए, आई होप सबको क्लियर होगा बेटा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर की असाइनमेंट M3 के बेटा, राइट? क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 -12। बच्चे यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया था आज। द यस व्हेन यू सॉल्व दिस मॉड, दिस विल बिकम 12 एंड दिस विल बिकम, सेवन पॉजिटिव फाइव आंसर क्या आ जाएगा? 12 -7 5, फाइव राइट? नाउ यस सेकंड पार्ट कीजिए बच्चों, प्लीज डू द बी पार्ट। यस, 5 माइनस मॉडुलस ऑफ 5, जीरो तो वाई बिकॉज mod 5, दिस विल फाइव बिकम 5 माइनस दिस विल बी 5, इट विल बी राइट। फाइव पार्ट सर -3 प्लस -4। हाँ जी, कौन बताएगा ये? चलिए मैं बच्चे को बुलाता हूँ, इसको इसको। हाँ जी, हरमनप्रीत फ्रॉम 6B। सर।
हरमनप्रीत फ्रॉम 6D, इज शी प्रेजेंट? आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। सर सेवन आंसर। कैसे आया बेटा? सर वी हैव टू -3 -4 प्लस। अच्छा, ये जो दो मैंने ये गर्दी लगाई हुई है इनका क्या मतलब होता है बेटा? सर वैल्यू फाइंड, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है? साथ वालों से पूछ लो, पहले पूछ लिया बेटा? सर मैंने ये कहा था कि चल नहीं रहा माइक। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? अगर आपको नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस तरह से किससे पूछ के आंसर दोगे? ऑल ऑफ यू, दैट विल सर बी मैं अगर हाफ ऑफ पूछा नहीं, नहीं, आपने नहीं पूछा, एग्रीड। लेकिन प्लीज अगर नहीं आता तो से नो, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके सर। हाँ जी बेटा, आप बताइए जरा। ये -3 है, ये -4 है, दोनों को ऐड किया तो 7 कैसे हुआ? सर बिकॉज माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये जो दो हमने लाइन लगाई इनका कोई मीनिंग नहीं है बेटा। मैंने आज सुबह एब्सोल्यूट वैल्यू कराई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू बार बार बोल रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसको ये जो लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं मॉड, राइट? जब भी कोई टर्म मॉड में लिखते हैं वो अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू होगी ये 4 हो जाएगी, तो 3 प्लस ऐड को करें, 4 को ऐड करेंगे तो सेवन ऐसे आता है। ये माइनस माइनस ऐड हो गए इसलिए नहीं आता बेटा ये। इज इट क्लियर? ओके सर। कोई डाउट? सर नेक्स्ट पार्ट नोट। कीजिए। नेक्स्ट पार्ट बेटा, लास्ट पार्ट इसका, -8 माइनस -9। जल्दी से कीजिए जरा, टाइम भी हो गया आपकी क्लास का। कौन आएगा? कैसे बेटा? ये देखिए -8 जाना माइनस -9। एक सेकंड बच्चों, तो ये 8 माइनस 9 बन गया, तो ये -1 होगा बच्चों, राइट? इज इट ओके? यस ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट टीचर्स। कंट्रोल में रहा मेरा दोनों।